संभल में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की जिला इकाई की कार्यकारिणी का विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह संजीवनी पैलेस चंदौसी में आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू, राष्ट्रीय महामंत्री सुखबीर सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर वीरेश समेत प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर भुवनेश सिंह मौजूद रहे। सबसे पहले जिलाध्यक्ष रमन सिंह की अगुवाई में सभी राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप चौक पहुंचकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद रोड शो निकालते हुए कार्यक्रम स्थल संजीवनी पैलेस पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने जिलाध्यक्ष रमन सिंह और जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को बधाई दी, साथ ही समाज को संगठित करके मजबूत बनाने का आह्वान किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 से लेकर के आज तक पूरे देश के 658 जनपदों में एक बहुत मजबूत अभियान चला रहा है, संगठन बढ़ाओ संगठन बनाओ। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में हमारे जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं इंजीनियर भुवनेश्वर सिंह जी, उन्होंने कई जिलों का दौरा करने के बाद हर जिले में जीर्णोद्धार किया कि संगठन के सदस्यता अभियान ग्रामीण स्तर पर होने चाहिए, बूथ स्तर पर हमारा जो संगठन का अभियान है वो कैसे पहुँचे, संगठन कैसे मजबूत हो और लोगों के साथ में अगर कोई अन्याय हो रहा है, क्योंकि आज हिंदूवादी सरकारें हैं, समानता के अधिकार की बात हम लोग करते हैं कि समानता के अधिकार का कानून लाया जाए, हम लोग कहते हैं जातिगत आरक्षण हटाए जाए, ऐसे जो अभियान हैं जो संगठन चला रहा है पूरे देश में, इनको कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए। आज युवा वर्ग की बात है, हम चाहते हैं जनसंख्या के अनुपात में रोजगार के सृजन होना चाहिए, सहकारिता के माध्यम से भी स्वरोजगार की बात जो भारत सरकार कर रही है कि भारत आत्मनिर्भर बने, तो हम ये भी चाहते हैं कि अगर जातिगत आरक्षण हट जाए और अगर आरक्षण देना भी पड़े तो गरीब हर जाति उस समाज के लोगों में होते हैं, तो जितने भी आरक्षण धारक लोग हैं इनके यहाँ जो BPL सूची में दर्ज हैं इन लोगों के मकानों पे ये लिखा जाए कि ये आरक्षण धारक व्यक्ति का मकान है, फिर क्यों नहीं लिखवाते आप? तो यहाँ पर कुछ ना कुछ भेद है, तो अगर भेद है तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और जो वास्तव में करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, उनको अपने आप आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जैसे गैस की सब्सिडी को प्रधानमंत्री जी ने कहा तो लोगों ने एक मत से छोड़ दिया। भारत कैसे मजबूत बनेगा, इस सब पर सारे लोगों को सोचना है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान बहुत अच्छा है, ये चले, और आज जो अभियान चल रहा है पूरे देश में भू माफियाओं के खिलाफ चल रहा है, तमाम ऐसे लोग हैं जो सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं, मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि आज जाति भेद लिंग के आधार पर हट करके धर्म संप्रदाय की राजनीति पर कुछ नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने वास्तव में वफ के नाम पर किसी ना किसी नाम पर समाज के लोगों के दबंगियत से अगर ज़मीनें कब्जा की हैं तो उनका सही मूल्यांकन होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि ये आपका जो जिला है संभल, ये महाराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से, एक बार मामला आया था कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से संभल का नाम रखा जाए, तो हम चाहते हैं कम से कम इसका नाम हमारी सरकार है और जो बात पिछली उसमें आई है तो कम से कम इसका संज्ञान ले, यहाँ पृथ्वीराज चौहान के नाम से यहाँ बन जाए, अलीगढ़ में बन जाए, पूरे देश में छत्री म्यूजियम बनना चाहिए, छत्री उत्थान आयोग का गठन होना चाहिए, क्योंकि देश में 1931 के बाद जो जातिगत जनगणना हुई है उस जातिगत जनगणना में 2010 में जो भी चिन्हित किए गए फिर परसीमन हुए, आज 131 लोकसभा की सीटें हैं और 1225 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जिन पर दोबारा परसीमन होना चाहिए, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा छत्री हैं उन सीटों को भी आपने सुरक्षित सीटों में डाल रखा है, तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव पिछली सरकारों में जो भी सत्तारूढ़ सरकारें रही हैं।